हाँ, तो घर जाने की उसने विदा ली। विदा ली यानी निकल जाना, घर के लिए निकल जाना, यानी अपना जो ग्रुप होता है ना उनसे, इन शॉर्ट जिसे हम बाय बाय कहते हैं, विदा लेते हैं, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वो उड़ने को हुई बेचारी उलझ कर रह गई। देखो, अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। अब जब उसने विदा लिया यानी अपने दोस्तों को टाटा बाय बाय किया और वो उड़ने ही वाली थी कि वो फंस गई। और देखो, और वो चिल्लाई जोर से कि मैं फंस गई हूँ, उलझ कर उलझ रह गई यानी उलझ जाना। अब उसकी जो पुकार थी यानी जो चीख थी वो किसने सुनी? नीलू चिड़िया ने। वह चिल्लाई, नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी यही बेचारगी, तब वो बात समझ पाई। आप देखो, यानी वो सब साथ में बैठे थे, ठीक है, उनका जो पूरा जो ग्रुप था चिड़ियों का, वो दाना चुग रहे थे। और अचानक जब जो मुनमुन चिड़िया थी उसे याद आया कि उसकी सासू माँ घर पर आने वाली है और घोंसला तो खाली है। और जब वो विदा लेकर उड़ने लगी तो वो उलझ गई, फंस गई, और वो चिल्लाने लगी कि मैं फंस गई करके। और जब उसकी मदद के लिए नीलू चिड़िया उड़ने की कोशिश की उसे बचाने के लिए, तो उसका भी वही हाल हो गया, नीलू चिड़िया का। तब उनके समझ में कुछ कुछ आने लगा, यानी क्या हुआ था तो देखिए। तब वो बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। अब बहेलिया, बहेलिया यानी क्या होता है? देखो, बहेलिया मीन्स पक्षियों का शिकारी, यानी हंटर, जो पक्षियां पकड़ने वाला जो शिकारी होता है, हंटर होता है, उसे बहेलिया कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब उन्हें वो बात पता चले कि हम सब कहाँ फंस गए हैं, तो इस बहेलिए के जाल में फंस गए, यानी किसी ने उनके ऊपर वो जाल फेंका था, ठीक है, यानी नेट, जिसे हम नेट कहते हैं। बहेलिए के जाल में फंस गए। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, यत्न यानी कोशिश, यत्न य आधे त को न जन, यत्न यानी कोशिश करना, ठीक है। यत्न किए निकल न सके, उलझ गए, चिड़े चिचिया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। देखो, अब वो इतनी कोशिश कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वो और उलझ रहे थे, यानी उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब उनकी जो कोशिश थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? कम होते गई। और फिर वो समझ गए कि आज हम अपने घर पर नहीं पहुंच पाएंगे, यानी उनकी जो आस है वो एकदम से शांत हो गई। सभी के हो गए थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। देखो, अब सबका बुरी तरह से हाल हो गया, यानी इतनी कोशिश कर रहे थे फिर भी निकल नहीं पा रहे थे, और वो पूरी तरह से थक चुके थे। अब उनके दिमाग में बहुत ही अलग अलग मतलब बातें घूमने लगी कि कोई कोई जो चिड़िया थे उनके बच्चे अकेले घोंसले पर थे, उनका क्या होगा, कोई और आके मतलब उनके बच्चों को खा तो नहीं जाएगा, उठा तो नहीं लेकर जाएगा, ये सब बातें उनके वो सोचने लगे। और क्या होने लगे? सिसक सिसक कर रोने लगे, और उसी तरह वो रोने लगे, दुखी होने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। देखो, अब ये जो नीलू थी है ना, नीलू चिड़िया दादी माँ के परिवार की, और उसके जो बच्चे टीनू और मीनू, वो तीनों भी कैसे थे? शांत थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, यानी उनका भी चिंता करना यानी सोचना, बहुत ज्यादा सोचना, टेंशन लेना, ठीक है, तो वो भी उसी चिंता में थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी उन्हें एकता की दुहाई। देखो, तभी उन्हें क्या याद आया कि जो दादी माँ ने उन्हें सीख दी थी और जो एकता की दुहाई दी थी वो उन्हें याद आई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक तुनक कर वह यू बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। देखो, अब वो जो मुनमुन थी उनकी दोस्त, वो मतलब उनके उनकी जो एकता की जो सीख थी, उनकी जो बातें थी, वो उसे मतलब कि समझ नहीं पा रही थी। और वो कह रही थी कि अब हम इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं और इस एकता में क्या कर सकते हैं, हम लड़ नहीं रहे हैं,
और हार गए हैं, जाल में फंस चुके हैं, और चाहे कितनी भी एकता रखो, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये किसका मानना था? मुनमुन का मानना था। ठीक है, अब देखो, तीनों बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अकल का पता। तीनों ने समझाई युक्ति। अब देखो, युक्ति यानी आइडिया। ठीक है, तो जब वो मुनमुन ने, मतलब मुनमुन को सेटिस्फाइड नहीं थी उनकी जो बातें थी एकता की उनको लेकर, तब वो जो छोटी बेबी थी, क्या नाम था उसका, मीनू, सॉरी टीनू, यानी कि नीलू की, नीलू की बच्ची, तो टीनू ने कहा कि थोड़ा तो पेशेंस रखो, इतने में ही बस तुम हार गई। अब ये जो डायलॉग होते हैं ना बच्चों, इन डायलॉग पे भी हमें ध्यान देना है, किसने किससे कहा, इसमें ये हमें पूछे जाते हैं, वो जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो हमें पूछा जाता है। तो आपको तुरंत ही सेंटेंस पढ़ते ही ये समझ में आना चाहिए कि ये बात किसने कही है। तो टीनू ने मुनमुन से कहा, या फिर मुनमुन ने टीनू से कहा, ये सब बातें अगर आप प्रॉपरली लेसन को लिसन करोगे, समझोगे, सुनोगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन के आंसर देने में। ठीक है, तो आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अकल का पता, यानी उसने कहा कि तुम चाहती क्या हो, जरा हमें भी तो पता चले कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है ना, और अपने दिमाग का अकल का पत्ता खोलो। तब तीनों ने समझाई एक युक्ति। देखो, अब तीनों ने बताया उन्हें कि उन्हें क्या करना है, किस कौन सी आइडिया दी। देखो, उससे मिल सकती थी मुक्ति, यानी कौन सी ऐसी युक्ति थी जिनसे उन्हें मुक्ति मिल सकती थी। युक्ति यानी आइडिया, मुक्ति यानी फ्रीडम, यानी फ्री हो जाना। ठीक है, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। तीनू बोली, मीनू कहेगी, 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार, ये हम एक साथ उड़ पाएंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। देखो, अब जब तीनू ने वो युक्ति सबको समझाई, तो वो सबने फॉलो की, और उन्होंने देखो क्या कहा कि जब मीनू कहेगी 1 2 3 4, यानी मीनू के कहने पर हम सब क्या करेंगे, एक साथ उड़ जाएंगे, 1 2 3 4, और एक ही दिशा में, है ना, वो भी बात जरूरी है। अब हम बस उड़ेंगे, आधे पक्षी दूसरे दिशा में उड़ने की कोशिश करेंगे, आधे पक्षी दूसरे, तो वो सक्सेस हो पाएगा क्या? नहीं। तो उन्हें पूरी तरह से प्लानिंग मतलब रखनी चाहिए, और हर एक के माइंड में बस वो एक ही बात रहनी चाहिए कि हमें क्या करना है। बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने किया कि उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, और जब वो एक साथ सब उड़ पाएंगे और एक ही दिशा में जाएंगे, तो देखो अब आगे क्या होता है। सब हो गए होशियार, यानी सब अलर्ट हो गए, और अपनी जो जो उनका मिशन था, है ना, उस मिशन के लिए वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब उड़ने को थे वे तैयार, मीनू बोली, 1 2 3 4 उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए, गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। देखो, अब वो जो उनकी प्लानिंग थी वो सबने सुन ली, सबने मतलब उसपे बिल्कुल पोजीशन में रेडी रहे। अब जब मीनू ने कहा 1 2 3 4, वो सारे पक्षी एक साथ उड़ गए, है ना। देखो, जब वो एक साथ उड़ गए, मतलब वो जो जाला था उनके ऊपर, वो भी उनके साथ उड़ने लगा, है ना, उससे लेकर वो एक साथ उड़ गए। आप देखो, अब जब वो उड़े, तो उनमें, उनके मन में आशा और विश्वास ले, यानी उन्हें पूरी पूरा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि हम बिल्कुल इस जाल से मुक्त हो जाएंगे, और जो उन्हें बंदी बनाया गया था, उस बंधन से वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। गजब एकता थी उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर वो एकता की पावर थी, है ना, यूनिटी थी। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में, यानी वो जो उमंग थी उड़ने की, फ्री होने की, वो हिलोरे लेना, यानी मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हम जीत जाएंगे, ये बात उनके मन में तय थी, है ना। वही लिए ठगा सा रह गया, ठगा सा यानी आ करके ऐसे देखता रह गया कि ये कैसे हो सकता है, सारे पक्षी कैसे उड़ गए, वो भी उसके जाल को लेकर। ठीक है, सोच रहा था पंछियों ने ये क्या किया, क्या करता वो बेचारा, एकता के आगे था मारा हारा, चिड़े चिड़िया तनिक न सकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे, चिड़िया
चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास उड़ चुके थे चुस्कू मुस्कू। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। देखो अब वहां पर दादी माँ थी, वो अपने परिवार के लिए यानी नीलू और उसके जो बच्चे थे टीनू मीनू, उनके लिए बहुत उदास हुई थी कि अब तक आए क्यों नहीं मेरे बच्चे, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा, किसी ने उनकी शिकार तो नहीं की हुई। ये सब बातें सोच सोच कर दादी माँ बहुत दुखी हो गई। और जो चुस्कू बुस्कू है ना, और वो चिंकी चुहिया थी, वो भी रोने लगे, उनकी आंखों में भी आंसू आने लगे कि मतलब रात होने को आई, शाम सूरज ढल गया, फिर भी अभी तक पहुंचे नहीं है। आप देखो वो जो पक्षी थे, चिड़िया थे, वो पूरा जो उनका ग्रुप था वो जाल को लेकर एक साथ उड़ गया है ना, और वो उड़ते उड़ते कहाँ आ गए, अपने घर की तरफ यानी दादी माँ के आंगन में। देखो और दादी माँ का चरखा, चरखा यानी कि जिसपे क्लोथ है ना वेविंग होता है, यानी धागे से जो कपड़ा बनाया जाता है घर पर ही चरखे से, पहले के जमाने में वही होता था, अब ये कारखाने मिल्स वगैरह बने, तो वो भी शांत था यानी दादी माँ कुछ काम नहीं कर रही थी, बस उनकी राह देखते बैठी थी। अचानक कलरव हुआ आंगन में ना, अभी देखो कलरव, कलरव यानी पक्षियों की मधुर ध्वनि, यानी पक्षियों की कलकलाहट, मधुर ध्वनि, ध्वनि यानी आवाज, ध्वनि का मतलब होता है आवाज, यानी वो सुनाई दी सारे पक्षियों की है ना। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में, आनन फानन यानी शीघ्रता से, क्विकली जैसे उनके कानों में वो ध्वनि सुनाई दी, आवाज सुनाई दी, सबने शीघ्रता से देखा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, किसकी आवाज है, शीघ्रता यानी क्विकली फास्ट, ठीक है। आनन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। देखो अब सारे जो पक्षी थे वो क्या कर रहे थे, चिंचिया रहे थे यानी जोर जोर से उनकी आवाज कर रहे थे। और उनमें दादी माँ के परिवार के तीन सदस्य थे, कौन, नीलू टीनू और मीनू। विचित्र हाल था हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। देखो सबके हाल बेहाल हो चुके थे यानी सारे चिड़ियों का जो हाल था वो बेहाल था, लेकिन फिर भी उनमें क्या दिखाई दे रही थी, एकता दिखाई दे रही थी है ना, वो जो यूनिटी की पावर है वो दिखाई दे रही थी। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गए रहे। देखो जिस तरह से वो जाल के साथ उस आंगन में उतरे, मतलब समझ में आ रहा था, दिखाई दे रहा था कि वो सारे जो मित्र है वो क्या है, बहुत गहरे यानी बहुत ही क्लोज, एक दूसरे से टच, ऐसे दोस्त थे वो, ठीक है। अब अगर उनमें से एक भी दोस्त ने कहा नहीं माना होता और उड़ने को तैयार ना होता, तो क्या उनकी कोशिश फेल नहीं जाती, वो सक्सेस हो पाते, नहीं हो पाते है ना, क्योंकि सबने वो हिम्मत दिखाई इसीलिए वो सक्सेस हो चुके थे है ना। तो ये बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है बच्चों कि अगर हमारे फैमिली में कोई हमें अच्छी सीख देता है तो हम सबको उसे फॉलो करना चाहिए, तभी हम सबका भला हो सकता है कि नहीं। जैसे कि हमें देखो एक एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और देती हूँ, जैसे कि अगर एक सिंगल स्टिक हो तो हम उसे फटाक से तोड़ सकते हैं, बट एक साथ हम बंडल लेंगे स्टिक्स का यानी 7-8 स्टिक्स, तो हम उसे तोड़ पाएंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो एकता में है ना, ग्रुप में है, यानी उनकी ताकत क्या हो गई है, बढ़ गई है, समझ में आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह से एक पर्सन पे कोई भी हमला कर सकता है, बट उसके साथ और लोग होंगे तो हो सकता है कि ऐसा नहीं, यानी वो फाइट कर सकता है ना। बिल्कुल उसी तरह से हमें भी हमारे परिवार के साथ हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, जब भी उन्हें मदद की जरूरत हो हमें तुरंत मदद के लिए खड़े होना है, क्योंकि एक हो सकता है हम पर भी कब वो मतलब मुश्किल घड़ी आ जाए और हमें भी किसी से मदद लेने का मतलब मदद लेने के लिए हमें मतलब किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, वो तुरंत ही हमारे हेल्प के लिए खड़े हो जाए। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब हम उनकी हेल्प करें है ना, जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी वो भी हमारे लिए खड़े रहेंगे वक्त आने पर, समझ में आ रहा है बच्चों, तो उसे एकता कहते हैं। तो देखो नीलू ने हाल सुनाया, देखिए नहीं, विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर उनमें था एका, एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गए रहे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने
गर्दन ऊंची खटिया पर बैठी थी, वह बोली, देख उन्हें, वह यह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था काश देखो। जब जो ये चुहिया थी, चिंकी चुहिया, वो भी दौड़कर उनके पास गई, और दादी माँ भी जो अपने खटिया पे उनका राह देख रही थी, वेट कर रही थी, उसने भी जब खड़े मतलब देखा कि ये सारे पक्षी आ गए, तो उन्होंने पहले उनका हालचाल पूछा कि क्या हुआ था काज, यानी आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि इतनी देर लग गई आपको आ जाने में? तब देखो नीलू ने हाल सुनाया, फिर नीलू ने सारी जो स्टोरी थी अपनी वो दादी माँ को सुनाई। दादी माँ को सब बतलाया, जो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार। देखो अब ये जो मतलब उस जाल से निकलने का जो ये युक्ति थी, आइडिया था, ये किसका था? टीनू मीनू का था, है ना, नीलू के जो बच्चे थे। और टीनू और मीनू को ये सीख किसने दी थी? दादी माँ ने। और जब दादी माँ ने ये सुना तो दादी माँ हंसने लगी कि जरूर ये किसकी युक्ति होगी, टीनू मीनू की युक्ति होगी ना। दादी माँ को समझ में आ गई सारी बातें। तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई। देखो दादी माँ ने क्या कहा कि तुम्हारी जान बच गई, यही बहुत अच्छी बात है। सच ये जान हमारी बची, पर अभी है जाल में फंसी। लेकिन वो अभी भी जाल में फंसे थे, है ना, क्योंकि जाल के साथ वो उड़े थे। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। देखो फिर उन्होंने क्या, उसने क्या कहा नीलू ने, कि जरा अब हमें संभालो और हमें इससे बाहर निकालो। देखो बच्चों, जब नीलू ने दादी माँ से उन्हें इस जाल से बाहर निकालने की बात की, तो तब दादी माँ मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। तब दादी माँ ने और एक राज की बात उन्हें बताई। क्या बात बताई तो चलिए जानते हैं। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही है शक्ति, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मिठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। अब देखो जो उन्होंने एकता दिखाकर वो उस यानी उस चंगुल से तो छुटकर उड़ गए एक साथ, है ना, और सेफ जगह पर पहुंच गए। अब बात थी वो जाल की, अब वो उस जाल को तोड़ या काट सकते हैं क्या पंछी? नहीं। तो दादी माँ ने क्या कहा? दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया, यह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों से, औरों में भी होनी चाहिए। देखो अब आप सारे पंछी एक साथ रहेंगे, है ना, तो वो एकता भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ और भी यानी उसके अलावा और भी एकता होती है, उन पे भी हमें ध्यान देना है। अब देखो, एकता पंछियों की ही नहीं औरों से भी होनी चाहिए, वही यह बात सदैव ध्यान में रखे। एक और एक 11 होते हैं, जी हाँ, एक और एक क्या होते हैं? एक और एक 11, एक और एक 2 तो होते ही है, पर एक और एक 11 भी होते हैं, यानी उससे भी बड़ी यूनिटी एकता। यानी अब हमने मित्र परिवार जन के बारे में बात की है ना, कि हमारे हम घर परिवार में भी एकता से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके अलावा बच्चों, आपने हम बस पूरा दिन घर में ही रहते हैं क्या? उसके अलावा हमारी कोई जिंदगी नहीं होती, हमारी कोई दुनिया नहीं होती है? होती है ना, हम स्कूल जाते हैं, पाठशाला जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वहां पे भी हमारा मिलना कई अलग अलग लोगों से होता है। यानी जब आप अपने क्लास में स्कूल में पढ़ते हो, तो तुम्हें पता होता है क्या वो हमारे रिश्तेदार होते हैं सारे? नहीं, वो अलग अलग कास्ट के बहुत दूर दूर तक रहने वाले, लेकिन हमारी उनसे पहचान हो जाती है ना, और धीरे धीरे वो पहचान इतनी गहरी हो जाती है कि हम एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं, खाना पीना हो, खेलना हो, है ना, पढ़ाई करना हो, वो सब बातें हो जाती है, और एक नया रिश्ता बन जाता है हमारे हमारे आपस में, है ना। तो वो हुए हमारे दोस्त। और दूसरी बात, जिस जगह पे हम रहते हैं वहां आसपास रहने वाले भी कुछ लोग होते हैं, तो उनके साथ भी हमें एकता बनाई रखनी है, यानी उनसे भी हमें आपस में सुख दुख बांटने चाहिए, सारी बातें शेयर करनी चाहिए, यानी दुख में भी उनका उतना ही साथ देना है जितना कि हम सुख में देते हैं, है ना, सेलिब्रेशन में, पार्टीज में जाते हैं। तो अगर वही बात, अगर उनपे कोई दुख आता है,
या मुसीबत आती है तो हमें उनके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है। यही बात दादी माँ समझा रही थी कि ये बस उन चिड़ियों के एकता के बारे में नहीं है, उसके अलावा और भी एकता होती है। अब देखो यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते हैं, किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। देखो याचना करना यानी रिक्वेस्ट करना, याचना का मतलब होता है रिक्वेस्ट। अब नीलू ने दादी माँ ने क्या कहा कि चिंकी चुहिया जो है उससे तुम क्या करो, याचना करो, क्योंकि वही तुम्हें इस चंगुल से यानी उस जाल से क्या करा सकती है, बाहर निकाल सकती है ना। अब देखो बच्चों, जो नीलू के जो टीनू और मीनू बच्चे थे और चिंकी चुहिया के जो दोनों बच्चे थे चुस्कू मुस्कू, वो खेलते खेलते भी लड़ा करते थे, है ना, लड़ पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा वक्त आया था कि उनके मदद के अलावा ये पॉसिबल नहीं था, है ना। तो वो बिल्कुल भी बेझिझक होकर वो उनके हेल्प के लिए दौड़ आए। देखो वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी, टीनू मीनू ने कहा। हम आजाद हो रहे हैं, हाँ मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। अब ये मौसी यानी कि नीलू चिड़िया की जो फ्रेंड थी चिंकी चुईया, और मौसी किसने कहा है, टीनू मीनू ने, कि जाओ जल्दी से उन्हें बुलाओ और हमारी हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद दिया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। देखो और ये बात चिंकी को भी बहुत अच्छी लगी और वो बेझिझक दौड़ती हुई उनकी मदद करने के लिए आ गई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। अगर तुम सब मिलजुल कर रहोगे, एक साथ रहोगे, तो तुम्हें कभी भी हार नहीं प्राप्त होगी, और कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है ना। तो इसी तरह से देखो, चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, यानी जल्दी से वो चुहिया थी, चिंकी थी वो, और उसके दो बच्चे, वो चले गए। पहने दांतों से काटा दांत जाल, पहना दांत यानी शार्प, ठीक है, धारदार जाल अपन मानतो। तो उन पहनों दांतों से उन्हें उस जाल को क्या किया, काट डाला। कितना भी स्ट्रांग वो नेट क्यों ना हो, उसे चुहिया जो है वो अपने दांतों से तोड़ सकती है, ठीक है, काट सकती है। आजाद हुए सब तत्काल, यानी तुरंत ही क्या हो गए, सब आजाद हो गए, फ्री हो गए। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। अब जितने भी उस जाल में फंसे चिड़िया थे, है ना, चिड़ी थे यानी मेल फीमेल दोनों, वो चिचिया रहे थे यानी शोर कर रहे थे, आवाज कर रहे थे खुशी के मारे, यानी खुश होकर वो चिल्ला रहे थे। दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। अब देखो उन्हें भी अपने दोस्त वापस मिल गए, तो वो खेलना शुरू हो गए, टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू। सब थे प्रेम स्नेह से पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई। अब यहाँ पर किसकी सीख रंग लाई, यस दादी माँ की, यानी जो जो दादी माँ ने उन्हें सीख दी थी वो उन्होंने फॉलो की थी, और उसी का नतीजा क्या हो गया था कि वो आज सारे मुसीबतों के बाहर है ना। सबने दी एकता की दुआई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। देखो सबने एक साथ क्या कहा, एक साथ सबका मुंह खुला और बोले अंत भला तो सब भला, यानी एंड में जो भी अच्छा होता है उसी में सबका भला होता है ना, अंत भला तो सब भला। और ये कब पॉसिबल है, जब एकता हो, यूनिटी हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि ना। तो बच्चों देख लो, होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो इसके जो शब्दार्थ है, नए शब्द, वो हम लिखेंगे होमवर्क में। सबसे पहले निपट, केवल मात्र, आबाद यानी भरा पूरा, बुहारना स्वच्छ करना, बुहारना यानी साफ सुथरा स्वच्छ करना, दीन दुनिया यानी संसार, वही उनकी दीन दुनिया थी यानी संसार था, खलिहानी यानी कटी फसल रखने का स्थान, स्थान यानी जगह, ठीक है, जगह, क्लांत यानी थका हुआ, है ना, वो सारे क्लांत हो गए थे यानी थक गए थे, कोशिश कर करके भी वो उड़ नहीं पा रहे थे। कलरव, कलरव यानी पंछियों की मधुर ध्वनि, ध्वनि यानी आवाज, आनन फानन में शीघ्रता से, तत्काल शीघ्रता, क्विक, टंटा लड़ाई, हिंदी में जो हम ड लिखते हैं उसके नीचे हमेशा डॉट देना है, ठीक है। यत्न कोशिश, बहेलिया यानी पक्षियों का शिकारी,
और हमजोली यानी साथी, हमजोली का मतलब होता है साथी दोस्त, और झिझक यानी संकोच, झिझकना संकोच करना, ठीक है। तो ये 13 यानी 13 जो शब्दार्थ है वो आपको लिखने हैं। और एक बात, जब भी आप हिंदी या मराठी लिखोगे तो उसके जो नंबर्स आते हैं है ना, जिसे हम अंक कहते हैं, तो वो भी उसी लैंग्वेज में हमें लिखना है। यानी हिंदी लिखते वक्त हिंदी के अंक लिखना है, मराठी लिखते वक्त मराठी के, हिंदी मराठी के सेम ही होते हैं, और इंग्लिश लिखते वक्त इंग्लिश के, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी उससे मतलब उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इंग्लिश में नंबर्स ना डाले, कोशिश करें कि हिंदी या हिंदी में ही लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन है वो पढ़ाकर पूरा हो चुका है। अब मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको दूंगी, ठीक है। तो बच्चों चलिए अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नों के उत्तर है उन पे ध्यान देते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, एक दो वाक्य में उत्तर लिखो, ठीक है, आंसर इन वन और टू सेंटेंस, एक दो वाक्यों में। तो पहला प्रश्न है, चिड़िया कहाँ रहती थी, चिड़िया कहाँ रहती थी। तो चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। अब ये जो सेंटेंस है वो हमें लेसन में मिलेगा, जो फर्स्ट पैसेज है लेसन का, है ना, पार्ट का जो फर्स्ट पैसेज है। क्योंकि बच्चों आपको एग्जाम में पैराग्राफ राइटिंग होता है हिंदी मराठी और इंग्लिश में, यानी आपको पैसेज दिया जाता है, बिल्कुल उस पैसेज में से क्वेश्चन के जो आंसर है वो फाइंड करके लिखना होता है। तो हम अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो प्रॉपरली उसका जो आंसर है वो तुरंत फाइंड कर सकते हैं। चिड़िया कहाँ रहती थी, तो चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी, है ना। नेक्स्ट, बहेलिया कब ठगासा रह गया। ठगासा रहना यानी आश्चर्यचकित होना, है ना, कब ठगासा रह गया। तो जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए, सारे पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए, तब बहेलिया ठगासा रह गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती, यानी जब सुबह दादी माँ उठती थी तो वो क्या करती थी। ये भी आंसर हमें तुरंत फर्स्ट जो पैसेज है हमारा लेसन का उसमें मिल जाएगा। सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती सवारती, बुहारती सवारती, आंगन में आसन धरती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, परिवार जनों से बतियाती, ठीक है। ये सब जो काम है वो सुबह उठकर क्या करती थी, दादी माँ किया करती थी। और एक बात, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी में बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आखिर में अनुस्वर दिया जाता है, यानी डॉट दिया लगाते थे हम। जैसे आप देखोगे बनाती है ना, न का प्रोनाउंस होता है तो के ऊपर डॉट दिया है, बतियाती त के ऊपर है, बुहारती ये ती बिलांती के ऊपर डॉट है। तो इन सब बातों का भी आपको राइटिंग वर्क करते वक्त ध्यान रखना है, ठीक है। आप बोर्ड से ही कॉपी करके लिखोगे, लेकिन जहां जहां मैंने अनुस्वार दिए हैं, पहले बिलांती दूसरी बिलांती उकार, इन सब बातों पे भी आपको ध्यान रखना है। तो अच्छे से लिखिए, हैंडराइटिंग अच्छी की निकालिए, ओके, आराम से लिखिए, बिल्कुल घाई गड़बड़ जल्दबाजी। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा, किससे जाल काटा। तो चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा, पैने दांत यानी शार्प टिथ, ओके। और एक बात, चुस्कू मुस्कू उसमें च को पहले पहला उकार है और म को पहला उकार है, और जो आखिर में कु आया है उसको दूसरा उकार है, इस बात पे भी ध्यान रखना। चुस्कू मुस्कू ने अपने पहने दांतों से जाल काटा। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है, देखो यहाँ पर मैं आपको टेक्सुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे करा रही हूँ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप वहां से क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ठीके? घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो, यानी कौन सी घटना सबसे पहले घटी, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, मीन्स क्रोनोलॉजिकली हमें लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, डायरेक्टली आंसर लिखा है जो कि घटना के क्रम से है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, सबसे पहला पहला वाक्य रहेगा। उसके बाद ये डायरेक्ट आंसर है। हाँ बच्चों, चिंकी ने भी दो बेटों का उपहार दिया, यानी बाद में चिंकी को भी दो बेटे उपहार में मिले। तीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, और उसके बाद आखिर में क्या, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार,
यानी ये जो सेंटेंस है वो घटना से लिखे हैं हमने, पहले सबसे पहले क्या हुआ फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैंने आंसर आपको दिए, इसे भी अच्छे से लिखिए आपके बुक में, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे जो तीसरा सवाल है, जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर, शब्दों के वचन बदलना है हमें, मीन्स वचन बदलना है, दैट मीन्स सिंगुलर होगा तो उसे प्लूरल फॉर्म में लिखना है, प्लूरल होगा तो उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बस उतना ही नहीं करना है, वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो, दैट मीन्स मेक सेंटेंस। हमें जो शब्द दिया गया है सबसे पहले हम उसका वचन बदलेंगे, ठीक है। बहुवचन, एकवचन, एकवचन होगा तो बहुवचन लिखेंगे, बहुवचन होगा तो एकवचन, और जो आंसर होता है उसका हम सेंटेंस बनाएंगे, मेक सेंटेंस, जिसमें वो वर्ड आना चाहिए, यानी वो जो शब्द है उसका उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, हमें क्वेश्चन दिया है थैलिया। अब थैलिया यानी बहुत सारी, बहुत थैलिया, तो उसका एक वचन होगा थैली, है ना, एक थैली, अनेक थैलिया। अब हमारा आंसर आया थैली। अब हम क्या करेंगे, ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसमें ये जो शब्द है वो आना चाहिए। हमें पॉलिथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। पॉलिथीन का मतलब होता है प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक अभी बैन किया हुआ है हमें पता है ना, तो हमें पॉलिथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर पॉलिथीन के स्थान पर हमें कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए, यानी इस्तेमाल, ठीक है, यूज, इस्तेमाल। तो आपके हिसाब से वो भी लिख सकते हैं कि पॉलिथीन के स्थान पर कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज हमें पॉलिथीन की थैली का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो है पंखा, अब ये सिंगल फॉर्म है, एक होगा तो पंखा और अनेक होंगे तो पंखे, पंखा पंखे। अब ये पंखे शब्द से हम सेंटेंस बनाएंगे, दोनों पंखे खराब हो गए हैं, है ना, दोनों पंखे खराब हो गए हैं। नेक्स्ट दीवार, अब एक ही होगी तो हम कहेंगे दीवार, इस दीवार पर, और बहुत सारे होंगे तो दीवारें, है ना, दीवार दीवारें। देखो डॉट आया है यहाँ पे, मात्रा के मात्रा और डॉट, ठीक है। तो पुताई के बाद घर की दीवारें चमक उठी, पुताई मतलब लेपना, या फिर हम इसे रंग लगाना भी कह सकते हैं, यानी दीवार पे रंग लगाने के बाद दीवारें चमक उठी। अब सारे दीवारों पे हम करते हैं, ठीक है, एक ही दीवार पे रंग लगाते नहीं, तो पुताई के बाद घर की दीवारें चमक उठी, या फिर आप महल की दीवारें बहुत ऊंची थी, ऐसे भी लिख सकते हो, जिसमें दीवारें ये शब्द आना चाहिए, ये यही शब्द का प्रयोग करके हमें सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट राजा, अब देखिए बच्चों, सिंगल एक ही अगर होगा तो हम राजा ही कहेंगे, और बहुत सारे होंगे तो भी हम राजा ही कहेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें बहुवचन और एकवचन में वही यूज होता है, यानी उसका फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो एक राजा, अनेक राजा, तो दशरथ एक प्रतापी राजा थे, प्रतापी राजा थे, ठीक है, यानी महान, उन्होंने बहुत सारे जो लड़ाइयां हैं वो जीती थी, यानी प्रतापी थे वो, दशरथ एक प्रतापी राजा थे, समझ में आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, ये फोर जो है वो आप अच्छे से लिख लो, पढ़कर रीड एंड राइट। तो बच्चों देखिए, हमारा जो पांचवा शब्द है वो है वस्तुएं, वस्तुएं मीन्स बहुत सारी, अनेक वस्तुएं, तो उस वचन बदल कर लिखना है हमें, तो उसका सिंगुलर फॉर्म होगा वस्तु, अनेक वस्तुएं, एक वस्तु, ठीक है। तो किसी प्राणी और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा यानी कि नाउन, ठीक है, नाउन, दैट मीन्स प्राणी यानी एनिमल्स और वस्तु यानी थिंग्स, कोई भी थिंग्स और एनिमल्स के जो नाम होते हैं हम उन्हें नाउन्स कहते हैं, उसी तरह हिंदी में उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भेड़िया, भेड़िए, और एक बात, जब हम इसके आंसर लिखते हैं वही आंसर के बेस पे हमें सेंटेंस बनाना है, ठीक है। यहाँ पे वस्तु आया है तो सेंटेंस में भी वस्तु का ही मतलब जिक्र होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट भेड़िया, भेड़िए, एक ही होगा तो भेड़िया कहेंगे, और बहुत सारे होंगे तो भेड़िए, ठीक है।
सभी भेड़िए आग से डरकर शिकार छोड़कर भाग गए। यहाँ पे बहुवचन है ना, प्लूरल से, तो सभी भेड़िए आग से डरकर शिकार छोड़कर भाग गए। नेक्स्ट बहु, एक ही मतलब बहु एक ही होगी तो हम बहु कहेंगे, और बहुत सारे रहेंगे, मोर देन वन, एक से ज्यादा, तो बहु है, ठीक है, ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदु देना है, बहु बहु है। तीनों बहुएं दिन रात बीमार सास की सेवा करती है, तीनों बहुएं, ठीक है, जो हमारा आंसर है वही सेंटेंस में आना चाहिए। नेक्स्ट रोटी, रोटियां, एक ही हो तो हम रोटी कहेंगे, बहुत सारे होंगे तो रोटियां। तो डिब्बे में रखी सारी रोटियां बंदर ले गए, डिब्बे में रखी सारी रोटियां सारी बंदर ले गए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें वचन बदलना है, सिंगुलर होगा तो प्लूरल फॉर्म, प्लूरल अगर होगा शब्द तो सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, और वही आंसर को हमें सेंटेंस बनाना है, यानी वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा पार्ट है, दादी माँ का परिवार, ये कंप्लीट हुआ है। बच्चों अच्छे से जो सेशन है, वीडियो है, उसे सुनिए, समझिए, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखिए, ठीक है।